हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इस बारे में बताने जा रहा हूँ त्रिपुरा आईटीआई 2021 के बारे में। ये यहाँ पर क्या करने पड़ते हैं अप्लाई करने के लिए, क्या क्या प्रोसेस रहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, जिस वजह से एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, ओके, और आपके जो है कितना स्कोर कार्ड वैलिड रहेंगे अप्लाई कर सकते हैं जिस वजह से, और एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगी आपको, ये बात तो मैंने बताया, दोबारा बता रहा हूँ। और रिजल्ट आपके मेरिट लिस्ट, एडमिट कार्ड भी सारी चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है सारी चीज़ें क्या क्या करनी पड़ेंगी और सही तरीका क्या है जो जहाँ से आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियली स्टेप बाय स्टेप। तो मेक श्योर कर लीजिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है त्रिपुरा आईटीआई के रिलेटेड, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सर्च करना आपको किसी भी ब्राउज़र google.com ओपन करके वहाँ पर, और लास्ट में IAS पर टाइप करना है। IAS पर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको त्रिपुरा आईटीआई के रिलेटेड सारे सारे अपडेट और नोटिफिकेशन मिल जाती है सबसे पहले। तो सर्च करनी है आपको, सर्च करते ही एक्जैक्टली ये देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट लिंक पे अप्लीकेशन फॉर्म, डेट, एलिजिबिलिटी, पैटर्न, सर्विस, सब सारी चीज़ें पता क्या होनी चाहिए, क्या क्या होगी, और पूरा हैज़ देख सकते हैं यहाँ पर हैज़ इस्टेब्लिश द फर्स्ट इंडस्ट्रियल इन, ओके ठीक है, ओके, और इंदिरा नगर में ये, और ये अगरताला इज 1958 में हुआ। तो सबसे पहले तो इस फॉर्म को फिल करना है जो सामने आपके फॉर्म है, तो आपका ईमेल आईडी, पहले तो आपका नाम टाइप करना होगा, ओके, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी टाइप करने के बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करना होता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद आपका स्टेट सेलेक्ट करना होता है त्रिपुरा, ओके, सिटी सेलेक्ट करना होता है जो भी है, हो गए अगरताला, इंटरेस्टेड कोर्स यहाँ पर मेरा ये है, मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी ये है, बस आप मुझे क्या करना है गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक करना है। तो उससे होगा क्या, क्यों क्लिक करना है, उससे क्या होगा कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री फर्स्ट SMS आता है, तो आप गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, ईजी है, काफ़ी ईजी है। यहाँ पर आप देख रहे थे कि 1958 में इसको क्या किया गया है, अगरताला 1958 में हुआ है, और नाउ हैज़ अराउंड 7th ITI यहाँ पर प्रोवाइड टेक्निकल एजुकेशन इन यंग स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, और दोज अप्लीकेंट बच्चे यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड हैं एंड एलिजिबल हैं तो यहाँ पर अप्लाई कीजिए, एडमिशन लीजिए वेरियस प्रोग्राम्स में त्रिपुरा, दे कैन फिल अप्लीकेशन फॉर्म और थ्रू द ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, और आपके डिपेंड करता है ये एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया पे जिस वजह से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। चलो आज चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर एडमिशन शेड्यूल देख सकते हैं यहाँ पर, तो अवेलेबल कभी होगा आपका अप्लीकेशन फॉर्म से, तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होगा, लास्ट डेट क्या सबमिट करने के लिए 3rd week of September में, मेरिट लिस्ट अनाउंस की 4th week of September में, इस तरीके से करनी होती है। कोर्स ऑफर्ड थ्रू द त्रिपुरा के थ्रू, तो ये नेम ऑफ ट्रेड देख सकते हैं और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड, और तो ये ट्रेड का नाम देख सकते हैं, 1 year का ड्यूरेशन है यहाँ पर, प्लम्बर का 1 year का ड्यूरेशन, वेल्डर का 1 year का ड्यूरेशन है, इस तरीके से मतलब बताई गई है। और अप्लीकेशन फॉर्म का बताई गई, तो यहाँ पर एडमिशन इन वेरियस इंस्टीट्यूट ऑफ त्रिपुरा का बताया गया, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं इस अप्लीकेशन फॉर्म को, जो भी यहाँ पर एलिजिबल हो रहे हैं अप्लाई कीजिए। तो अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ऑफिशियल वेबसाइट से, तो क्या फिल करेंगे, आपके नेम, फादर नेम, पोस्टल एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, बर्थ सर्टिफिकेट डिटेल्स, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं यहाँ पर, सबमिट करने पड़ते हैं, ओके, उसके बाद आपको पेमेंट करने पड़ते हैं, पेमेंट करने के बाद आपको अप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंटआउट निकाल लेने हैं, काफ़ी कंपलसरी है और ये फ्यूचर यूज़ में काफ़ी यूज़फुल है। और एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो नेम ऑफ ट्रेड देख सकते हैं यहाँ पर, तो पहले ये ट्रेड है, ठीक है, एग्जाम्पल तौर पर स्टेनोग्राफी, और रिक्वायरमेंट जो क्वालिफिकेशंस की, अगर इसके लिए अप्लाई करेंगे ना तो क्या रिक्वायरमेंट है, आपका 12th पास होना चाहिए एग्जामिनेशन से, ओके, तो क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं, और 1 year का यहाँ पर, ओके, इसी तरीके से प्लम्बर का भी 10वीं पास रहेगा या फिर 12th पास रहेगा, और तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वेल्डर के लिए भी यहाँ पर 12th भी पास रहेगा तो अप्लाई कर सकते हैं, 1 year का होता है ये सब कुछ यहाँ पर। मेरिट लिस्ट भी आप एडमिट कार्ड जब रिलीज़ कर जाती है, फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम वगैरह हो जाता है, एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर जाते हैं, रिजल्ट भी ऑफिशियल वेबसाइट से आप कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, फिर उसे डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप मेरिट लिस्ट में जो है डिक्लेयर रिलीज़ की जाती है, वहाँ से आप मेरिट लिस्ट को भी चेक कर सकते हैं ऑफिशियली। उसके बाद आपको काउंसलिंग, मेरिट लिस्ट में क्या होता है कि आपका नाम मेंशन किया जाता है, ठीक है, तो क्यों मेंशन किया जाता है, जिस वजह से आप काउंसलिंग राउंड में जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके मार्क्स पर डिपेंड करती है, आप मार्क्स अच्छे लाएंगे तो आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट में मेंशन किया जाता है, फिर आप काउंसलिंग राउंड में आ जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती है।
फिर उसके बाद सीट अलॉटमेंट, कौन से जो कॉलेजेस में हैं आप सीट अलॉटमेंट, सारे प्रोसेस होते हैं ना काउंसलिंग राउंड में, ठीक है, याद रखना काउंसलिंग राउंड में सारे प्रोसेस होते हैं। और जो है मतलब सीट अलॉटेड कौन से कॉलेज में अलॉटेड रहेंगे, कैंडिडेट शुड हैव टू अलॉटेड कॉलेजेस इन एडमिशन डॉक्यूमेंट्स विल बी, डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर लगते हैं ना अप्लाई करने के लिए, तो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर जब भी कर रहे थे तो ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 10th के 12th के मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, डोमेसिस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, काफ़ी कुछ भी डाउट होता है आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे कुछ वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।